धनबाद में अवैध कोयला उत्खनन का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। जिले के विभिन्न इलाकों से गाहे बगाहे चौल धसने और उसमें खनन कार्य करने वालों के दबने मरने की खबर सार्वजनिक होती रहती है, जिसे हर तरह का हथकंडा अपनाकर दबाया जाता है। ताजा मामला चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरी जोड़ के BCCL के बंद खदान के समीप का है, जहां गुरुवार की सुबह जोरदार आवाज के साथ 50 फीट के दायरे में भूधसान की घटना घटित होने से आसपास के ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। इस दौरान ग्रामीणों के आने जाने के लिए बनी PCC सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों का हुजूम मौके पर पहुंचकर कोयला चोरी के कारण घटना घटित होने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में दर्जनों लोगों के दबे होने की भी बात कही। घटना की सूचना पाकर धनबाद SDM प्रेम कुमार तिवारी, BCCL KGM एके दत्ता, निरसा SDPO पीताम्बर सिंह खेरवार, चिरकुंडा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार, ग्यारकुंड CEO अमृता कुमारी दलबल के साथ मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली। इस दौरान BCCL का रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच खदान के अंदर लोगों के दबे होने की जांच की। रेस्क्यू टीम द्वारा अवैध मकानों में प्रवेश कर घंटों जांच पड़ताल की गई। समाचार लिखे जाने तक घटनास्थल पर किसी के मौत की पुष्टि नहीं हुई है। इधर पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी ने अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग करते हुए पूरे प्रकरण की जांच की बात कही। धनबाद SDM प्रेम कुमार तिवारी ने कहा कि पूरा मामला जांच के दायरे में है, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि धनबाद जिले के साथ साथ बीते कुछ महीनों में निरसा क्षेत्र में संचालित हो रही अवैध उत्खनन के कारण आए दिन क्षेत्र के तमाम बंद और चालू खदानों में लोगों के मरने की सूचना और घटनाएं घटित हो रही हैं। गुरुवार की सुबह भी डुमरी जोन में नियमित हो रहे अवैध उत्खनन के कारण भूधसान की घटना घटित हुई। इस संबंध में BCCL CB एरिया 12 के महाप्रबंधक AK दत्ता ने कहा कि उक्त क्षेत्र BCCL के लीज के अंतर्गत नहीं है। इसके बावजूद BCCL और सेंट्रल रेस्क्यू टीम घटनास्थल की जांच की। उक्त घटना में जान माल का नुकसान नहीं होने का मामला सामने आया। बस यहीं पर।